गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर हिंदी क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर सेकेंड अतिथि सेवा कंप्लीट किया था। अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो इस चैप्टर से हमने क्या लेसन लिया, क्या शिक्षा ली कि जो भी हम यदि वास्तव में सच्चे मन से दान करते हैं तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। ठीक है बच्चों, तो जो भी यदि दान करो तो कैसे करना चाहिए, सच्चे मन से। ठीक है, अब आप अपनी CW कॉपी निकाल लीजिए और क्या निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और लिखने के लिए तैयार हो जाइए। तो सबसे पहला हम आज इसमें क्या करेंगे, शब्द और अर्थ। ठीक है बच्चों, तो आप डालिए ब्लैक पेन से चैप्टर नंबर सेकंड डालिए और हेडिंग डालिए अतिथि सेवा। ठीक है बच्चों, अब ब्लैक पेन से ही ऊपर लेफ्ट साइड आप डालेंगे शब्द और राइट साइड अर्थ, है ना। बाएं तरफ शब्द और दाएं तरफ अर्थ डालेंगे। ठीक है, अब हम लिखते हैं और अब पेन किससे लिखना है, ब्लू पेन से, नीले पेन से आपको लिखना है। हेडिंग किससे डालेंगे, ब्लैक पेन से, और लिखेंगे किससे, ब्लू पेन से। तो फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे अतिथि। अतिथि का अर्थ क्या होता, मेहमान। फिर सेकंड में लिखेंगे संपूर्ण। संपूर्ण का अर्थ होता है पूरा। फिर थर्ड नंबर पे लिखेंगे विपत्ति। विपत्ति का अर्थ होता है मुसीबत। फिर फोर्थ नंबर पे लिखेंगे हित। हित का अर्थ होता है भलाई। फिर अगला लिखेंगे त्राही। त्राही 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 का अर्थ होता है बचाओ बचाओ की पुकार। फिर अगला लिखेंगे परिस्थिति। परिस्थिति का अर्थ होता है हालात। फिर अगला लिखेंगे प्रयास। प्रयास का अर्थ होता है प्रयत्न या कोशिश। फिर अगला लिखेंगे विवशता। विवशता का अर्थ होता है लाचार होकर या मजबूर होकर। ठीक है, फिर अगला लिखेंगे अकाल। अकाल का अर्थ होता है अभाव के समय। फिर अगला लिखेंगे विवश। विवश का अर्थ होता है लाचार। ठीक है बच्चों, अब ये आपने लिख लिया। अब पेज नंबर 13 पर आ जाइए, बुक निकाल लीजिए, बुक के पेज नंबर 13 पर आ जाइए। अब हम करते हैं अभ्यास। ठीक है, अभ्यास में फर्स्ट दिया आपको, पहला नंबर पे दिया है मौखिक अभिव्यक्ति और क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यानी ये आपको CW कॉपी में लिखना नहीं है, आपको जैसे सिर्फ मुंह से बोलकर बोलना है ओरली मौखिक, है ना। तो का नंबर पे दिया रंती देव कौन थे, तो बच्चों कौन थे रंती देव, रंती देव एक राजा थे। सेकेंड दिया खा नंबर पर भयंकर अकाल किसके राज्य में पड़ा। ठीक है, तो भयंकर अकाल राजा रंती देव के राज्य में पड़ा। का नंबर पर प्रजा रंती देव के राज्य को छोड़कर दूसरे स्थानों पर क्यों जाने लगी। ठीक है,
तो क्योंकि राज्य में अकाल पड़ा था, इसलिए प्रजा दूसरे राज्य में जाने लगी। ठीक है, रंती देव अपना सर्वोपरि धर्म किसे मानते थे? रंती देव अपना सर्वोपरि धर्म अतिथि सेवा को मानते थे। राजा ने क्या पीकर संतोष किया? राजा ने पानी पीकर संतोष किया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, लिखित अभिव्यक्ति। फर्स्ट दिया है इसमें, सही उत्तर पर टिक लगाइए। ठीक है बच्चों, का नंबर पर दिया है, राजा सदैव किसके हित का ध्यान रखता था? फर्स्ट में दिया है प्रजा, सेकंड में रानी के, थर्ड में दिया महल वालों की। तो हम इसमें टिक लगाएंगे प्रजा की, है ना। राजा हमेशा प्रजा के हित का ध्यान रखते थे। ख नंबर पे दिया, किस कारण सभी लोग रंती देव की राज को छोड़कर दूसरे राज्य में जाने लगे? पहला दिया अन्य कठिनाई, दूसरा दिया राज्य में अकाल के कारण, और थर्ड में दिया है दोनों। तो हम किसमें? दोनों में टिक लगाएंगे, है ना। अन्य की भी कठिनाई हो रही थी प्रजा को, और अकाल भी पड़ गया था राज्य में। अब गा लिखा है, बिना किसी गरीब को भोजन कराए भोजन ना करना, यह राजा का पहला नंबर लिखा प्रण था, सेकंड नियम था, थर्ड संकल्प था। तो क्या था उनका नियम था? वो डेली क्या करते थे? पहले किसी अतिथि को भोजन कराते थे गरीब को, उसके बाद स्वयं और उनका परिवार भोजन करता था। किस कारण नदियाँ और तालाब पुनः भर गए? पहला लिखा तीव्र वर्षा के, सेकंड लिखा राजा के, थर्ड लिखा इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट आएगा सही, क्योंकि तीव्र वर्षा के कारण क्या हो गई थी? नदियाँ और तालाब भर गए थे पुनः। अब अगला लिखा है, सच्चे मन से दिया हुआ दान कभी भी खालिस्तान नहीं जाता। तो पहला लिखा है सफल, फिर लिखा है व्यर्थ, और थर्ड लिखा है सर्वोपरि। तो हम किस पे टिक लगाएंगे? व्यर्थ में, है ना। सच्चे मन से दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, यही इस कहानी की क्या है? शिक्षा है, या इससे हमको लेसन मिलता है। अब अगला देखिए, वाक्यों को पूरा कीजिए। का नंबर पर रंती देव एक खालिस्तान थे, कौन थे? राजा थे। अब रंती देव के राज्य में भयंकर खालिस्तान पड़ा, क्या पड़ा? अकाल पड़ा। अब गा नंबर पर उन्होंने मन ही मन भोजन देने वाले व्यक्ति को खालिस्तान दिया, क्या दिया? धन्यवाद दिया। घ नंबर पर याचक जीने का सहारा पाकर क्या हो गए? खालिस्तान हो उठा, क्या हो उठा? गदगद। खालिस्तान में क्या लिखोगे आप? गदगद। अगला देखिए, अब राजा के पास केवल खालिस्तान ही खालिस्तान रह गया, यानी फर्स्ट नंबर के खालिस्तान में भरोगे जल और सेकंड में लिखोगे शेष। अब मैं इसको पूरा पढ़ती हूँ, अब राजा के पास केवल जल ही शेष रह गया। चार नंबर पर आ जाइए, खालिस्तान और आपकी खालिस्तान खूब फले फूले। तो फर्स्ट वाले में आप लिखेंगे आप, और सेकंड खालिस्तान में प्रजा। मैं इसको पूरा पढ़ देती हूँ, आप और आपकी प्रजा खूब फले फूले। ठीक है, अब छह नंबर पे लिखा, विपत्ति की इस घड़ी में भी वे अपने खालिस्तान पालन कर सके। तो खालिस्तान में क्या लिखेंगे? अतिथि धर्म। ठीक है, विपत्ति की इस घड़ी में भी वे अपने अतिथि धर्म पालन कर सके। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, और आप होमवर्क में क्या करेंगे? जो हम मैंने शब्द अर्थ आपको लिखवाए हैं तो वो आप दोहराएंगे।
ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।